जन दोस्तों, मैं हरीश आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश फिजिकल अकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आर्मी, अग्निवीर, जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन सबका रिजल्ट आने वाला है। ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, इसमें से दो बच्चे, एक नीलेश भाई और एक क्या नाम हो जी आपका, विपुल, ये दोनों आर्मी जीडी में पेपर दिए हैं और रिजल्ट आने वाला है। तो आइए जानते हैं इस समय इनके अंदर क्या चल रहा है, कितना हलचल हो रहा है। तो नीलेश जी, आप ये बताइए, आप पेपर कब दिए थे? 25 अप्रैल था। अप्रैल को फिजिकल में आपके कितने मार्क हैं? 100 नंबर। और आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट? जी सर, सी सर्टिफिकेट। तो आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, क्लियर है ना? हाँ, अब देखिए, हो तो जाएगा, हो जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था? मेडिकल अनफिट थे। मेडिकल अनफिट हो गए। आपका रिजल्ट सुनने में आ रहा है कि 25 के बाद कभी भी आ सकता है या 20 के बाद कभी भी आ सकता है, तो इस समय आपके अंदर क्या चल रहा है? सुनने के बाद सर डर लगता है थोड़ा सा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। लगभग सबके जितने बच्चे पेपर दिए होंगे, फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो सबके अंदर यही इस समय चल रहा होगा कि हमारा होगा या नहीं होगा, घर वाले क्या सोचेंगे, आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, मित्र क्या सोचेंगे, यही सब चलता है ना? जी सर, यही सब। कुछ लोग सोचते हैं, कोई कोई मजा लेता है कि नहीं आपका? हाँ, बोलते हैं ऐसे 3-5 क्या जब आपका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उस समय जो आपके बहुत हितैषी थे, कोई कुछ टिप्पणी किया था कि नहीं? नहीं, वैसे कोई नहीं कुछ किया था। हाँ, जैसे गांव वाले बगल बगल के उतना लोग जान नहीं पाए थे कि कैसे क्या है। अच्छा, उतना नहीं बताए थे, बताए आप छुपा ले गए थे। जी सर। चलो ठीक है, इस बार तो आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, सी सर्टिफिकेट है एनसीसी। हाँ, और कितने क्वेश्चन सही होंगे? 30+31+32 क्वेश्चन सही है। हाँ, तो हो जाएगा आराम से। पढ़ने में भी आप अच्छे थे, लगभग इसके पहले भी निकाले थे रिटर्न, सिर्फ मेडिकल में बाहर हो गए थे। इस बार मेडिकल ग्राउंड पे फिरते हैं, ग्राउंड फिट है। हाँ, तो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इस समय क्या आगे सोच रहे हैं, पैरा कमांडो में जाना चाहते हैं या नहीं? जी सर, पैरा कमांडो जी। तो उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं? 5 किलोमीटर रनिंग, 10 बीम 15 बीम पुशअप, यही सीटअप। हाँ, तो आपको क्या पता चला, आपका कोई मित्र पैरा कमांडो में हुआ है? हाँ, 2 लोग हुए हैं। तो उन लोग से आप कुछ जानकारी लिए हैं? बात वैसे होती नहीं है, कभी कभी हो जाती है। हाँ, तो उन सब से क्या पूछे थे कि वहाँ फिजिकल में क्या करवाया जाएगा? फिजिकल 5 किलोमीटर रनिंग है। हाँ। 15 पुलअप है। हाँ। और पुशअप है ये उतना 40। हाँ। और सीटअप, सीटअप सीटअप कितना लगवाएंगे? सीटअप 80 शायद। यही चार चीज सिर्फ करवाया जाता है? हाँ। ये चारों चीज के हिसाब से वहाँ पे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन होगा जी सर। पैरा कमांडो में कौन बच्चे जा सकते हैं, जिनका सेकंड ग्रुप रेस है या फर्स्ट ग्रुप, या जो मेडिकल फिट है, कैसे क्या? जिनका फर्स्ट ग्रुप है और मेडिकल ग्राउंड फिट है। ग्राउंड फिट है, जो भी मेडिकल वाले बच्चे उनको नहीं बुलाया जाएगा? अब ये तो मुझे उतना नहीं पता है। हाँ। और जिसका बीम 10 लगा रहेगा उसको बुलाएंगे। हाँ, मतलब 100 नंबर का फिजिकल पूरा होना चाहिए। और वो भी अग्निवीर जो आर्मी जीडी में है उन्हीं को, दूसरे को नहीं? दूसरे को नहीं, ट्रेनमैन वाले बच्चों को नहीं, सिर्फ जीडी वाले। जी सर। तो विपुल जी, इस समय आपके अंदर क्या चल रहा है? इस समय हमारे अंदर यही चल रहा है, एकदम दिल मेरा धड़क रहा है कि हाँ। पेपर आ जाए, कब कितनी जल्दी रिजल्ट आ जाए उसका। रिजल्ट का वेट बहुत बेसब्री से आप भी कर रहे हैं? एकदम बहुत बेसब्री से कर रहे हैं कि एकदम, मतलब सुबह नींद नहीं आती, उठ जाते हैं तो मतलब उसी के बारे में सोचते हैं कब रिजल्ट आए, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ। इसी के चक्कर में डिस्टर्ब रहते हैं थोड़ा, लेकिन तब भी देखो दोस्तों, इस समय सारे बच्चों के अंदर डर है, सब लोग एक दूसरे का कटऑफ देखने का प्रयास करते हैं। कटऑफ तो आप भी किसी का कटऑफ देखें? अभी कटाव किसी का नहीं देखे, ये अनुमान लगा रहे हैं अपने हिसाब से कितना क्वेश्चन सही होगा। हाँ, तो दोस्त देखो, कटाव कोई आपकी मेरिट जाने वाले है, ठीक है, लेकिन ये जान लीजिए, ये वैकेंसी पिछली बार कितना आए तो आपका मेरिट 155 के आसपास रहेगा, ठीक। और ट्रेनमैन वाला पिछले बार में जिस बच्चे का 148 नंबर बन रहे थे ट्रेनमैन हाई स्कूल पास में, उसका सिलेक्शन हो गया था, तो इस बार जान लीजिए वही 148 से 150 के आसपास जाएगा। इस बार तो ट्रेनमैन में बहुत कम बच्चे हैं, ठीक। और आपके जो मित्र हैं उन सब से कभी बात होती है जो आपके साथ में पेपर दिए हैं? हाँ, कभी कभी बात हो जाती है। तो उन सब क्या कहते हैं? वही कहते हैं कि भाई सिलेक्शन तो हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप लगा है, मेडिकल फिट है, और चिंता ना करो, यही सब बताते हैं। कभी कभी बात होती है, ट्रेनिंग पे हैं वो लोग, अब उतना मोबाइल नहीं पाते हैं, तो कभी कभी हो जाता है बात। हाँ, तो दोस्तों आप सब जल्दी से, आप सबका रिजल्ट आए, आप सबका रिजल्ट देखने को 25 के बाद कभी भी मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।